अगर स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एडवांस में, मैं हूं इलियास। दोस्तों, मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने थ्रेड्स नाम के ऐप को लॉन्च कर दिया है। थ्रेड्स को इंस्टाग्राम की टीम ने ही तैयार किया है। थ्रेड्स में भी रियल टाइम फीड मिलेगी। थ्रेड्स के फीचर्स और इंटरफेस काफी हद तक ट्विटर जैसे ही है, तो आइए इसके इस्तेमाल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, तमाम लीक्स के बाद आखिरकार थ्रेड्स ऐप लॉन्च हो गया है। थ्रेड्स एक टेक्स्ट बेस्ड सोशल मीडिया ऐप है जिसका सीधा मुकाबला एलन मस्क के ट्विटर से है। थ्रेड्स को भारत में भी उपलब्ध करा दिया गया है। थ्रेड्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आपके पास पहले से ही इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक है, यानी अगर आपका इंस्टाग्राम पहले से वेरीफाइड है, तो थ्रेड्स अकाउंट खुद ही वेरीफाइड हो जाएगा। थ्रेड्स को आप एप्पल के ऐप स्टोर से भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थ्रेड्स में आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी के साथ लॉगिन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। मेटा का इंस्टाग्राम ऐप एक फोटो शेयरिंग मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है, जबकि थ्रेड्स ट्विटर की तरह एक टेक्स्ट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यानी अगर आपने ट्विटर इस्तेमाल किया है, तो आपको थ्रेड्स के साथ परेशानी नहीं होगी। ये काफी हद तक पुराने ट्विटर वर्जन की तरह है। थ्रेड्स में आप 500 कैरेक्टर में पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें वेब लिंक, फोटो यानी एक साथ 10 फोटो और एक मिनट तक के वीडियो शामिल है। थ्रेड्स में भी आप किसी को भी ब्लॉक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पर किसी को ब्लॉक किया, तो थ्रेड्स पर भी वो ब्लॉक ही रहेगा। थ्रेड्स में फिलहाल GIFS का सपोर्ट और क्लोज फ्रेंड का सपोर्ट नहीं है। इसके अलावा इसमें फिलहाल डायरेक्ट मैसेजिंग का भी फीचर नहीं है। तो दोस्तों, अब ये देखना होगा कि क्या थ्रेड्स ऐप को भी ट्विटर जितनी लोकप्रियता मिलती है या नहीं।